स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे पहले आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। उनके बारे में एक्टिवली आपको एक्शन लेना होगा ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। यस, यू कैन स्कोर 100 मार्क्स। सबसे पहले सिलेबस की बात हो जाए, 3 यूनिट 2 यूनिट को जोड़ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 यूनिट बनाई गई है। इट मीन्स अगर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, इन तीनों यूनिट्स को करोगे तो 16 मार्क्स का पेपर होगा। तो कई बच्चे सोचते हैं अभी चलो एक चैप्टर छोड़ दो। नहीं बच्चे, एक चैप्टर छोड़ के नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका 10 नंबर का पेपर उसी चैप्टर में से आ जाए। ये तो नहीं ना बताया कि एक चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आना है। तो इसलिए यूनिट आपने कलेक्टिवली सोच के चलना है, ठीक है। कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, आपने सारे चैप्टर्स करने हैं क्योंकि आपको नहीं पता किस चैप्टर में से क्या वेटेज है, ठीक है। ये चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, ये 3-3, 2-2 चैप्टर्स की जो यूनिट बना रखी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हिसाब से वेटेज है। टोटल क्वेश्चन आपको 34 आएंगे 80 मार्क्स के लिए। 20 क्वेश्चंस इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स ईच के, 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच के, 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच के और 3 क्वेश्चंस होंगे 6 मार्क्स ईच के। और इनमें से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स क्वेश्चंस में से इंटरनल चॉइस होगी। इट मींस 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। अब देखें 1 मार्क क्वेश्चंस में से कौन सी फॉर्म पॉसिबल है। बच्चों पहले ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चंस होंगे, फिर फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन हो सकते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स में भी ऑप्शंस गिवन भी हो सकती हैं और ऑप्शंस नहीं भी गिवन हो सकते, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस या करेक्ट दी सेंटेंस हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट मीन्स छोटा सा कोई केस स्टडी दी जा सकती है या फिर कोई लंबी स्टेटमेंट दी जा सकती है। उसमें से आपको कॉन्सेप्ट देखना होगा कि किस कॉन्सेप्ट की वो बात की गई है या किस प्रोसेस की वो बात की गई है या कौन सी टर्म उस क्वेश्चन में यूज़ की गई है, ठीक है। फिर कोई ना कोई आपको प्रोसेस के स्टेप्स दिए जाएंगे, हो सकते हैं उनके प्रोसेस के स्टेप्स को आपको रीअरेंज करना आ जाए या फिर उस प्रोसेस के स्टेप्स को कंप्लीट करना आ जाए, ठीक। मैच दी कॉलम्स हो सकता है, ए और बी कॉलम, उसमें से 2-2, 3-3 ऑप्शंस दी जाएंगी कि कौन सी ऑप्शन किसके साथ मैच होगी, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस तो आपको पता है आने ही आने हैं, ये सब बच्चों को पता है, एक ऑप्शन मार्क करनी होती है। तो ये बात तो हुई क्वेश्चन की फॉर्म्स की। अब कुछ बेसिक टिप्स है जिनका आपको पेपर के लिए बहुत ध्यान रखना है। आई होप यू मस्ट हैव रेड योर बुक्स थॉरली फॉर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी बच्चे ने NCERT की बुक्स अभी तक भी नहीं पढ़ी तो अभी से भी आपके पास बहुत टाइम है, बुक्स आप पढ़ो। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि NCERT बुक्स को कैसे पढ़ना है। तो बच्चों वो मैंने मैक्सिमम टाइम 50 आवर्स का दिया हुआ है और अब तो आपको 25 आवर्स मुश्किल से लगेंगे। यू मस्ट गो थ्रू NCERT बुक्स। यू शुड हैव की नोट्स रेडी फॉर द लास्ट मिनट रिविजन। जिस बच्चे ने नहीं बनाए वो अब से भी नोट्स बना सकते हैं। की नोट्स बनाने हैं, मेन पॉइंट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, छोटे कार्टून्स बनाने हैं। बच्चों जितना आप खुद इन्वॉल्व होकर सब्जेक्ट को तैयार करोगे उतने ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। बीवियर योर क्वेश्चन पेपर हैड बिन सेट इन प्री COVID-19 टाइम्स, तो एग्ज़ामिनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे वही हैं। तो उसको नहीं पता कि आप अब घर बैठे हो, पेपर पहले सेट हो चुका है, तो तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपकी। पेपर शुरू होते आपको सबसे पहले जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है उसका आपने मैक्सिमम यूज़ लेना है। आपने पेपर को अच्छे से पढ़ना है और अपने पेपर के अंदर हल्के से अगर कोई निशान लगाने देगा तो पेंसिल से मार्क कर लेना है मेन पॉइंट्स, ठीक है। फॉलो द सीक्वेंस व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस।
राइटिंग द आंसर्स फर्स्ट दैट यू नो वेल, लीविंग द स्पेस फॉर डिफिकल्ट वंस टू बी हैंडल्ड लेटर ऑन. जगह छोड़ दो और जब आंसर याद आए तब लिख देना, ठीक है. रीड द क्वेश्चन वंस मोर बिफोर राइटिंग द आंसर. क्वेश्चन को एक्चुअली अटेम्प्ट करने से पहले ज़रूर एक बार क्वेश्चन को थॉरली पढ़ो. अगर 15 मिनट्स में पढ़ा ना, वो तो मेन आई व्यू ले लिया आपने पेपर का. अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले थॉरली पढ़ो. Read the questions with proper focus on words like state. अब state वाले question में पहले आपने statement form में जवाब देना है, चाहे वो कोई term ही पूछी हो. Identify का मतलब आपने कोई concept, कोई term, कोई process की पहचान करनी है, तो exact नाम पहले देना है. Compare का मतलब आपने difference लिखना है. Enumerate मतलब नंबर वाइज लिस्ट बनाइए. गिविंग एग्जाम्पल्स, कई बार बच्चे एग्जाम्पल को इग्नोर कर देते हैं. गिविंग एग्जाम्पल का मतलब एग्जाम्पल के भी अलग से मार्क्स होंगे. विद सूटेबल डायग्राम, बच्चे प्रोसेस तो एक्सप्लेन कर जाएंगे, विद सूटेबल डायग्राम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो बच्चे डायग्राम के स्पेशल मार्क्स होंगे. तो क्वेश्चन को थॉरली अच्छे से पढ़ना है. वर्ड लिमिट फॉर आंसर्स मस्ट बी कंसिडर्ड, ठीक है. पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वर्ड्स को बच्चे आप लिखने बैठ जाओ. आप अपनी तीन लाइन में देख लो कितने वर्ड्स लिखते हो, तो बस उसी हिसाब से एवरेज आपने लाइन्स लिख देनी है, ठीक है. ऐसे तो टाइम ही वेस्ट करोगे. जितने पॉइंट क्वेश्चन में पूछे जाएं उतने ही पॉइंट लिखो, पहले ही सोच के लिखो. ऐसे ही एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपके एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पड़ेगा, वो चाहे ठीक भी हो, ठीक है. तो पहले ही सोच समझ के पॉइंट्स को लिखना. जितने भी पॉइंट आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दो या तीन सेंटेंसेस में उसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जानी चाहिए. बाकी फिर आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है. कई बच्चे छोटे सेंटेंस में तो कम वर्ड्स में ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं. Answers must be precise and to the point. आपने सिर्फ relevant points लिखने हैं, relevant answer लिखने हैं, जो पूछा है आपसे वही लिखने हैं. इस बात पे ध्यान नहीं देना कि मुझे वो भी आता है, इसके बारे में ये भी लिख दूँ, तो examiner को वो नहीं चाहिए जो उसने question में नहीं पूछा, ठीक है. तो आपका जो आंसर है वो टू दी पॉइंट होना चाहिए, प्रेसाइज होना चाहिए, और एग्जामिनर को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए. क्वेश्चंस चाहे छोटे हों बड़े हों, आपने हेडिंग्स को अंडरलाइन ज़रूर करना है. लॉन्ग आंसर्स में तो हेडिंग्स की स्पेशल इम्पॉर्टेंस बन जाती है, और आपने जो हेडिंग्स अंडरलाइन करने हैं वो ब्लू पेन से ही करने हैं. ब्लू का लाइट या डार्क तो हो सकता है, और आपने कोई रेड ब्लैक स्केच पेन ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना बच्चों. ये CBSE से प्रोहिबिटेड है, और कोई भी गलत एक्शन हो सकता है, ठीक है. Avoid that. आपने हर क्वेश्चन के बाद, चाहे क्वेश्चन छोटा है चाहे बड़ा है, एक या दो लाइंस ब्लैंक जरूर छोड़नी है, ताकि देखो बच्चे एग्जामिनर स्पीड से काम चेक करते हैं. उनको किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस आपने अपने पेपर करने के ढंग में क्रिएट नहीं करनी, ठीक है. और बड़े क्वेश्चन आपने हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करने हैं. पुट करेक्ट क्वेश्चन नंबर बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है. कई बच्चे सेंटर में जाके लिखते हैं, वो सेंटर वाले भी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है. तो जो आप छोटी क्लास से लिखते आए हो, लेफ्ट साइड मार्जिन लाइन के अंदर ही आपने सही क्वेश्चन नंबर लिखना है. When you need to cut anything written wrongly, अगर कोई वर्ड गलत लिखा गया, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो. एक सेंटेंस गलत लिख दिया, वो पूरे सेंटेंस पे एक सिंगल लाइन से कट लगा दो. पूरा पैरा गलत लिखा गया, पूरा आंसर गलत लिखा गया, सिंगल लाइन से क्रॉस कर दो. बच्चे कई बच्चे ना उसके ऊपर इतना ज़्यादा कुचर कुचर कर देते हैं कि वो सोचते हैं एग्जामिनर ने शायद यहाँ से खोद खोद के वर्ड ढूंढने. बच्चे एग्जामिनर आपकी गलतियों को नहीं ढूंढ के नंबर देने वाला, वो आपने क्या लिखा है उसको नंबर देने वाला है. तो जो लिखा है उसको साफ सुथरा लिखो, गलती को छिपाने की कोशिश मत करो, गलती को सिंगल लाइन से काट दो. इट इज़ मोर देन सफिशेंट.
जो डिफरेंस के क्वेश्चन हैं वो हमेशा कॉलमुनर फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट ए और कॉन्सेप्ट बी के डिफरेंस का क्वेश्चन लिख रहे हो, तो एक तरफ आप फर्स्ट कॉलम में लिखो बेसिस, सेकंड कॉलम में आप ए कॉन्सेप्ट के बारे में लिखोगे और थर्ड कॉलम में आप बी कॉलम के बारे में लिखोगे। क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो बच्चों प्रोसेस के अंदर आपने सारे स्टेप्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में ज़रूर देना है, क्वेश्चन चाहे नाम भी बोले, ठीक है। अगर आपका डायग्राम नीट होगा, प्रॉपरली लेबल्ड होगा, एक्सप्लेनेशन चाहे आप थोड़ी थोड़ी भी दे दो, वो डायग्राम आपके आंसर के लिए ज़्यादा बोलेगा। जिन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आए, ध्यान देना कि कभी क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, कभी कभी इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो आप कोशिश करना डायरेक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस करना जिनका आंसर सीधा ही आपको लिखना पड़े, जहां आपको सजेशंस देनी है, ठीक है, और जिसके अंदर आपको कुछ सोचना पड़े, तो मैं ऐसे फील करती हूँ कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस दो, क्योंकि वहाँ पर आपके आंसर की मार्किंग स्कीम से वेरिएशन का स्कोप कम रह जाता है, ठीक है। और आपने बच्चों हर क्वेश्चन का जवाब जो है वो उसके मार्क्स के हिसाब से देना, और मार्क्स के हिसाब से ही आपने आंसर को टाइम एस्टीमेट दे देना, उसके अंदर अंदर काम करने की कोशिश करना, और जहाँ पॉसिबल हो छोटे छोटे कार्टून्स और डायग्राम से अपने आंसर को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करना। फिर बात आती है केस स्टडी क्वेश्चंस की। बच्चों केस स्टडी का क्वेश्चन जो है, आपको पता है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बड़ी लंबी होती है, इसका असली क्वेश्चन नॉर्मल केस में केस के एंड पे होता है, तो आपने केस को बाद में पढ़ना है, पहले वो क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने केस पढ़ना है, और फिर आपने उस केस को ऐसे पढ़ना है जैसे कोई डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ रहे हो, जैसे आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने क्या ढूंढना है, आपने आंसर ढूंढना है, आपने रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ढूंढने हैं, रिलेटेड प्रोसेस ढूंढनी है, उस हिसाब से फिर आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपने उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ज़रूर करना है। लाइक आपसे किसी कॉन्सेप्ट की तीन एडवांटेजेस पूछी हो, तो आपने ऐसे बोलना है, फॉलोइंग आर द मेन थ्री एडवांटेजेस ऑफ दिस 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 कॉन्सेप्ट। नंबर वन, राइट द हेडिंग एक्सप्लेन। नंबर टू, राइट द हेडिंग एक्सप्लेन, एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए गोल्डन प्रिंसिपल है, मेक द एग्जामिनर हैप्पी बाय राइटिंग व्हाट ही वांट्स, ही विल मेक यू हैप्पी बाय गिविंग द मार्क्स दैट यू वांट। मींस आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करो आपके आंसर्स को सही तरीके से दिखाने में, और एग्जामिनर आपको फैसिलिटेट करेगा मार्क्स देने में। ए फाइनल एडवाइस, टाई योर शीट्स क्योरली एंड टाइटली आफ्टर चेकिंग ऑल द पर्टिकुलर्स ऑन द टाइटल शीट। Dear students, if you prepare well and follow these guidelines, no one can stop you from getting full marks. All the best. Thanks for watching this video. Like this video if you liked it and share this channel with your juniors. Bye.